है तो सीक्रेट बहुत बार मैं कैमरे के ऊपर अवॉइड करता हूँ फैमिली से इंस्ट्रक्शन है कि इसको अवॉइड करो इंस्पिरेशन की बात है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा फिर मैं कहूंगा मुझे आईफोन चाहिए आप कहोगे पापा आपने करना क्या है मैं आप मेरे शौक नहीं पूरे कर पाओगे जरूरतें पूरी कर दोगे <laughs> बड़ा डिफरेंट इंटरव्यू चल रहा है आज बहुत मैं चैनल पे गया हूँ तो वहां पर डिफरेंट स्टोरी होती है जी आपका बचपन कैसा बीता स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट लिया कभी बाप से डांट तो नहीं पड़ी आपके तो क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपने पहले जो रिसर्च की है ना रियली आई सल्यूट यू जी मतलब ये है की मेरा राज कोई राज नहीं रहेगा <laughs> <ना>? <laughs> नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं लाइव ऑन कैमरा भी डॉक्टर अमित माहेश्वरी शो में आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी हैं, वो एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर आंतरप्रन्योर बिजनेस कोच और हजारों लाखों करोड़ों लोगों के मेंटोर हैं मैं मिलवाना चाहता हूं आपको हमारे स्पेशल गेस्ट टीएस मदान सर से मदान सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है धन्यवाद डॉक्टर अमित महेश्वरी मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ हाँ हा। शायद वो बात बहुत सारे लोग इस बात को एग्री भी करेंगे जब मोटिवेशनल स्पीकर की बात करते हैं ना तो जब भी मैं आपको देखता हूं और आपके नाम को याद करता हूं तो मुझे महाभारत के भीष्म पितामह याद आते हैं मैं कहता हूं कि अगर मोटिवेशनल इंडस्ट्री में पब्लिक स्पीकिंग इंडस्ट्री में अगर कोई भीष्म पितामह है तो वो टी एस मदान साहब हैं 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 आप आप ही ही को को देखकर देखकर हम 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 लोग बड़े हुए हुए इंस्पायर और लोगों लोगों ने भी हम लोगों का मतलब है पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं कहीं ना कहीं जरूर सुना है और उसके बाद जब वो उस करियर में आए तो वो जानते हैं कि हम भीष्म पितामा से ही गाइडलाइंस लेकर चीजों को सीख रहे हैं और समझ रहे हैं अमित जी वाकई इसमें कह सकता हूँ कि भगवान की कृपा है और आप लोगों का प्यार है मदान साहब मैं पिछले मतलब मैं अपने अपने अनुभव के आधार पर बोलो तो पिछले पच्चीस तीस साल से मैं आपको लगातार एज अ बिजनेस कोच एज अ मेंटोर एज अ स्पीकर बहुत सारी वीडियोज़ में देख चुका हूँ बहुत सारे प्रोग्राम्स में इवेंट्स में कॉर्पोरेट्स में कंपनीज़ में डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ में तो इस पूरे माहौल में क्या होता है एक स्पीकर जो होता है ना वो एक सेलिब्रिटी की तरह होता है उनको लोग लेने आ रहे हैं रिसीव करने आ रहे हैं उनके आने का बहुत भव्य स्वागत हो रहा है स्टेज पर बहुत अच्छा वेलकम हो रहा है और वही स्पीकर जब एक बिजनेस ओनर बनता है

कोई भी इंसान चाहे वो जॉब कर रहा है प्रोफेशन में है बिजनेस में है रिटायर तो होता है एक दिन तो रिटायरमेंट की एज गवर्नमेंट ने फिक्स की है साठ साल जी और फैमिली ने भी पैंसठ सत्तर फिक्स की होती है जी तो बच्चे आराम से कह देते हैं कि पापा अब आप बहुत कुछ कर लिया जी छोड़ो अब थोड़ा आराम करो हम कर रहे हैं ना हम बैठे हैं ना जी तो जब मुझे ये बोला गया ना साठ की उम्र में तो दो साल तो मैंने काट लिए खींच खींच के जी मैं कहा अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो क्या करोगे कहते हम बैठे हैं मैं आप मेरे शौक नहीं पूरे कर पाओगे मेरी जरूरतें पूरी कर दोगे <laughs> बहुत प्यारी लाइन है ये कि आप मेरे शौक, शौक नहीं, नहीं पूरे, पूरे, कर कर पाओगे, पाओगे। पूरे कर पाओगे जरूरतें पूरी मैं कहूंगा मुझे आईफोन चाहिए जी। आप कहोगे पापा आपने करना क्या है कहीं जाना तो होता नहीं ठीक बात है तो पहला तो ये रीजन था दूसरा था कि जब बंदा तीस साल के करीब चालीस साल के करीब सीखने में लगते हैं बीस बाईस साल की उम्र में बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है जॉब में जाता है उसके बाद तीस चालीस साल दिक्के खाता है नुकसान खाता है बहुत कुछ करता है तब जाके सीखता है जब वो सीख लेता है ना तो सरकार कहती है अब तू हमारे काम का नहीं है तो ताश खेल <laughs> और बच्चे भी कहते हैं पापा अब चेस खेलो ना गोल्फ खेल लो ना जी यार उम्र तो वो है काम करने की जब सब कुछ सीख चुके हैं तो मैंने कहा नहीं यार मजा तो अब आएगा काम करके जी देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी जी। ताश भी खेलते हो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना वहां पे तो दिमाग लगेगा जी। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि हम कुछ लेगेसी छोड़ जाए यार अगर मैं कामयाब हो जाता हूँ तो बच्चे शान से कहेंगे कि हमारे पापा ने पैंसठ की उम्र में काम शुरू किया था अगर मैं फेल हो जाता हूँ तब भी हमारे बच्चे शान से कहेंगे कि पापा ने पैंसठ की उम्र में ट्राई तो किया ठीक बात है क्योंकि हम वो बचपन से <laughs> स्टोरी सुनते आए हैं कि फिफ्टी थ्री ईयर की एज पर हाँ। मैगडी के डायरेक्टर ने काम करना शुरू किया वो तो स्टोरी रह गई ठीक है जिसको हमने देखा नहीं सुना नहीं जाना नहीं सिर्फ किताबों में पढ़ा है या किसी से सुना है आज हमारे सामने एक ऐसी रियल एग्जाम्पल है जिन्होंने पूरी लाइफ लोगों को इंस्पायर किया लोगों को ट्रेन किया उनकी मैंटरशिप की और उसके बाद जब उनका रिलैक्स करने का समय आता है जो लोग कहते हैं कि अब आपका रिलैक्स करने का समय है रिटायरमेंट का समय है उन्होंने फिर एक नई इनिंग शुरू की और एक इंडस्ट्री खड़ी कर दी पूरी <laughs> तो मदान साहब एक बात मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ कि जब हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे जो टिपिकल टास्क होता है ना वो यही सिलेक्शन होता है हम किस इंडस्ट्री में जाएँ और इंडस्ट्री में जाने के बाद हम कौन सा प्रोडक्ट करें किस प्रोडक्ट की हम ट्रेडिंग करें मैन्युफैक्चरिंग करें होलसेल करें इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कुछ भी करें किस प्रोडक्ट में करें तो जब आप ये सिलेक्शन कर रहे थे तो उसमें आपने ऐसे प्रोडक्ट का चयन किया जो अपने आप में सबसे टिपिकल है हेल्थ प्रोडक्ट्स के बारे में तो मेरा ये प्रश्न है कि जहां पर लोग बहुत ज्यादा कॉन्शियस है हेल्थ को लेकर वहां एक मेडिसिन लेने के लिए भी ना डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं ऐसे में जब आपने इस इंडस्ट्री का सिलेक्शन किया तो क्या सोचकर किया और क्या चैलेंजेस आपके सामने आए ये मैं चाहता हूं कि मेरे युवा साथियों को जरूर बताएं क्योंकि बहुत सारे युवा साथी आज एक नए बिजनेस का चयन करना चाहते हैं और उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये मैसेज हम जरूर चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम इसको जानें देखो अमित एंड ऑल व्यूअर्स के जब हम कोई काम करते हैं ना सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमें अच्छा क्या लगता है जी जो अच्छा लगता है जो हमारा शौक है जो हमारा पैशन है अगर हमारा प्रोफेशन बन जाए तो ये समझ लेते हैं कि अभी सारी उम्र काम नहीं करना पड़ेगा मुझे गाने का शौक है तो मैंने गाने को ही प्रोफेशन बना लिया तो मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती जब मैं बिजनेस में आया तो बिजनेस मेरा शौक था क्योंकि अगर बिजनेस की ट्रेनिंग देता हूं तो मेरा शौक है तभी देख बात है अब प्रोडक्ट सिलेक्शन की जब बारी आई ना तो वहां पर एक बहुत है तो सीक्रेट बहुत बार मैं कैमरे के ऊपर अवॉइड करता हूं मेरे फैमिली से इंस्ट्रक्शन है कि इसको अवॉइड करो बट क्योंकि प्रेरणा की बात है इंस्पिरेशन की बात है तो मैं डेफिनेटली जी। आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा पिंकी माय वाइफ जी उसने अपनी किडनी डोनेट की थी मैं डोनेशन का वर्ड शायद गलत बोल गया हूँ गिफ्ट की थी ओके। अपने एक कजन को। अच्छा। फिफ्टी नाइन थी इसकी भी फिफ्टी थी जो किडनी को डॉक्टर ने उसकी हेल्थ को एनालाइज किया तो उसके एनालिसिस की जो रिपोर्ट दी हमें जी। उसमें था कि ये किडनी 59 नाइन ईयर्स एज की लेडी की नहीं हो सकती है ये 17 ईयर्स की गर्ल की किडनी की एज अच्छा है। हमने जब उसको पढ़ा तो हमें एक बड़ी तसल्ली सी हुई कि हम पिछले कई सालों से अच्छा खा रहे हैं जी। और आयुर्वेद के साथ जुड़े हुए हैं जी. हम एलोवेरा जूस वीट ग्रास जूस जी. तो आयुर्वेदा के साथ बहुत जुड़े हुए थे हम हुँ. तो जो हमने पिछले पच्चीस तीस सालों में किया है उसने हमारी सेहत भी अच्छी रखी है और हमारी अच्छी सेहत होने के कारण किसी और की हम जान बचा पाए हैं जी तो मैंने फिर अपने डॉक्टर दोस्तों से सलाह की मैं कहा यार हम इस मैसेज को लोगों को पहुंचाएं जी अब मैसेज क्यों पहुंचाया जाए कौन ये मैसेज पहुंचाएगा क्योंकि आप किस इंडस्ट्री से लड़ रहे हो आप लड़ रहे हो उस इंडस्ट्री से जहां पर अरबों रुपए के पब्लिसिटी बजट हैं फूड इंडस्ट्री जंक फूड इंडस्ट्री लिकर इंडस्ट्री उसमें अरबों रुपए के बजट हैं उसके साथ लड़ना आके तो बिना पैसे के बिना इनकम के कैसे लड़ सकते हो तो मैं कहा यार फिर जिन चीजों के कारण हमारी हेल्थ अच्छी हुई है जिन चीज़ों के कारण पिंकी की किडनी की हेल्थ ले रही है नॉट इसी का बिजनेस करते हैं अगर जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो किसी की वाइफ ये नहीं कहेगी कि इसने इस बंदे ने मेरे हस्बैंड की आदतें खराब की हैं हमारा नाम लिखा जाएगा लोगों की हेल्थ को बढ़िया करने वालों में ये <laughs> यहां आपने जो बात बताई ना कि हाँ, किडनी का एज था यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ की बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है की उम्र तो है लगभग साठ के आसपास और जो ऑर्गन की एज है वो फिफ्टीन सिक्सटी ईयर है तो मैं जब मैं बॉडी वेट में बहुत ज्यादा हैवी हो गया था ना मतलब नाइनटी सिक्स क्रॉस कर गया था वैसे वन जीरो टू भी मैंने क्रॉस किया था तो जब डॉक्टर के पास मैं चेकअप के लिए गया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी जो बॉडी एज है वो फिफ्टी एट है जबकि उस टाइम में थर्टी सिक्स का था तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे बात समझ में नहीं आई कि थर्टी सिक्स मेरी एज है और आप बॉडी एज कह रहे हैं फिफ्टी एट है। तो ये कैसे हो सकता है उन्होंने कहा दो तरह की एज है एक एक्चुअल एज और एक बायोलॉजिकल एज आपने अपनी बॉडी को इतना ज्यादा घिस दिया है इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, या इतना ठीक तरीके से मेन्टेन नहीं किया है कि उसकी बॉडी एज बहुत पुरानी हो गई है मैंने कहा अब ये कैसे ठीक हो सकती है उन्होंने कहा जब आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे गुड और आज जो मेरी एज फोर्टी है और मेरे जो एक्चुअल बॉडी एज है वो थर्टी फाइव थर्टी फोर के आसपास आते हैं इसीलिए मैं इस बात को यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारी बॉडी एज और बायोलॉजिकल uh, एज दोनों को हम चाहे तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं डिपेंड करता है कि हम कितना अच्छा खाना खाते हैं कितने अच्छे तरीके से रहते हैं कितना खुश रहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा जी. क्योंकि आपके प्रश्न में से दो बातें निकली हैं एक तो आप जानना चाहते थे कि मैंने हेल्थ प्रोडक्ट चुनी क्यों जी क्योंकि मैं चाहता था कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो लोगों की भी हेल्थ अच्छी हो दूसरी बात ये निकली है जो वेयर्स को खास ध्यान रखना चाहिए कि किडनी अगर किसी को गिफ्ट की है जी। तो किसी की जान बची है तो वाई नॉट अगर आपके परिवार में कुछ ऐसी भगवान ना करे किसी के परिवार में हो और अगर हो तो पीछे ना हटना यहाँ पर एक प्रश्न मेरा और है आपने मेडिकल इंडस्ट्री से संबंधित प्रोडक्ट का सिलेक्शन तो कर लिया पहली बात कि दूसरे लोग उस पर विश्वास क्यों करें जैसे कि मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो बड़ा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं लोगों के माइंड में वो अपना एक ऐसा जगह बना चुके हैं कि नहीं यही एक असली दवा है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर सोल्यूशन है दूसरा जब इतना बड़ा विज्ञापन करते हैं तो कॉस्ट ऑफ एडवर्टीज की वजह से प्रोडक्ट महंगा हो जाता है और भारत जैसे देश में नहीं पूरे विश्व में माना जाता है कि जो चीज महंगी है वो अच्छी है यहां पर जब मैंने आपके प्रोडक्ट्स के बारे में सर्वे किया और आपकी वेबसाइट पर भी देखा आपके डीलर से भी बातचीत की तो मुझे पता लगा आपके प्रोडक्ट कंपेरेटिवली बहुत लो कॉस्ट पर है ऐसा कैसे संभव हो पाया है कि आप लो कॉस्ट पर वही प्रोडक्ट जो ब्रांडेड कंपनी बहुत हाई रेशियो ऑफ मार्जिन पर या हाई सेलिंग प्राइस पर बेच रहे हैं वो आपने कैसे मेंटेन किया और कैसे आप इस बात को हमारे उन युवाओं को बताएंगे कि आप जब अगर आप ऑन्टरप्रनरशिप करना चाहते हैं तो आपको भी इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल अपने बिजनेस में में करना चाहिए मतलब ये है कि मेरा राज 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 कोई नहीं रहेगा <laughs> <है न>? <laughs> <देखे> <laughs> सो राज को रहने दो <laughs> साहब हम लोग इंडस्ट्री हैं हमारा हमारा समाज के प्रति युवाओं के प्रति एक दायित्व बनता है कि हम उनको वो चीज बताएं जिससे सफलता आसानी से हासिल की जा सकती है देखो मेरा एक ना बचपन से मानना है कि जो कस्टमर होता है ना वो बेवकूफ नहीं होता है आप भी कस्टमर हो मैं भी कस्टमर हूं जी। हर दुकानदार हर सेल्समैन अपनी प्रोडक्ट के अलावा बाकी हर जगह पर कस्टमर है जब आप सब्जी लेने जाते हो तो कोई सब्जी वाला आपको बेवकूफ बना सकता है क्या बिल्कुल नहीं। है? वो आपको बेवकूफ बना दे और आपको पता ना लगे नहीं। चलो मान लो एक बार नहीं पता लगा दूसरी बार लग जाएगा कोई कपड़ा बेचने वाला कोई ज्वेलरी बेचने वाला कुछ भी बेचने वाला आपको बेवकूफ नहीं बना सकता है मुझे भी नहीं बना सकता यानी किसी भी व्यूअर को नहीं बना सकता अगर हमें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता तो हम कैसे किसी को बना सकते हैं अच्छी एक बात है ये कैसे हो सकता है कि मैं लोगों से भी ज्यादा सियाना हो गया हाँ। है लोग बेवकूफ हैं तो ये मेरा मानना है कस्टमर बेवकूफ नहीं होता है अगर हमें दिखाई देता है ना तो वो हमारी बेवकूफी है पहले हम कोई रेट बढ़ाएं और उसके बाद डिस्काउंट दें जी। मुझे शुरू से बुरा लगता है ओके। कस्टमर जानता नहीं इस बात को कस्टमर को पता है मैं कई बार देखता पता है ना 70 off. हाँ। तो जब उसको पता, पता है। ही है तो फिर हम ड्रामा कर रहे हैं। जो रीजनेबल हो रीजनेबल प्राइस और उस प्राइस के बाद ना ही आपको बार्गेनिंग करनी पड़े और ना ही किसी के आगे हाथ जोड़ने पड़े प्लीज खरीद लो प्लीज खरीद लो पहले कम रख लो ना और दूसरी चीज है कि जो अगर आप कम मार्जिन पे काम करते हो ना तो आप ज्यादा कमाते हो जी वॉल्यूम तक पहुंच वॉल्यूम बहुत बड़ा हो जाता है बात। तो एक तो किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ने पड़े जी। एक आपको कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर पैसा नहीं खर्चना पड़ा जी। महंगा पहले महंगा बनाओ फिर उसको बेचने के लिए पैसे खर्चो तो बेटर नहीं है कस्टमर को पैसे दे दो यार ठीक <laughs> तो मैंने उस चीज को लिया ये एक रीजन था कि डिस्काउंट कल्चर मुझे पसंद नहीं है मेरा एम और सेलिंग प्राइस सेम है और जो लोग डिस्काउंट देते हैं ना वो हमारा बिना डिस्काउंट के भी उनसे कम है ग्रेट। लोगों को पता चल गया चेक बात है। ये सबसे बड़ा रीजन था। दूसरा था कि किसी भी चीज को बेचने के लिए ना जो कॉस्ट इन्वॉल्व है ना उसमें एक कॉस्ट है इन्फ्लुएंसर की जो करोड़ों रुपए की है जी। बिना एंडोर्समेंट के चीज नहीं बिकती है ठीक बात है प्रमोशन तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए, तो चाहिए ही चाहिए और मेरे केस में इन्फ्लुएंसर के पैसे बचते हैं यू आर ऑलरेडी अ नेम फेम बेस्ड पर्सनालिटी। वो जो भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया हुआ है तो मैं उसी आशीर्वाद का फायदा लेकर कॉस्ट बचाता हूँ और वो पैसा कस्टमर को पास कर देता हूँ अच्छा आपने दिया है हाँ. क्योंकि आज बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करें हाँ. तो मेरा तो उनसे कहना है कि कुछ ऐसी यूएसपी डेवलप करें कि लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करें या अपने अंदर वो क्षमताएं डेवलप करें कि आपके कहने से लोग आपका प्रोडक्ट खरीदना शुरू बिल्कुल एक प्रश्न मेरा और है कि जब हम ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो बहुत ईजी होता है हमारे वेबसाइट के थ्रू या सपोर्टिंग वेबसाइट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं आप ही के बिजनेस का एक दूसरा नेटवर्क भी है जिसमें आपने काफ़ी सारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए हुए हैं आज पूरे इंडिया में लगभग मैं बहुत सारे डीलर्स को जानता हूं आपके जो टीएस मदान के प्रोडक्ट्स बेचते हैं तो मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जी मैंने पूछा आपको कितना मार्जिन मदान साहब देते हैं क्योंकि एक बिजनेस कोच हो तो मेरे मन में भी उत्सुकता रहती है कि कौन सी कंपनी कौन सी इंडस्ट्री किस लेवल ऑफ़ ऑफ़ लेवल प्रॉफिट हो इन्वेस्टिगेशन <laughs> 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 भी आपका आर्ट हाँ है बट मुझे अच्छा लगा अमित जी क्योंकि जो जब जिस सीट पे आप बैठे हो ना आप आज इंटरव्यू लेने वाली सीट पे बैठे हो जहां नॉर्मली आप नहीं होते है ना आप इस सीट पे होते हो और ये रोल मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आपने कंप्लीट पहले होमवर्क किया है फिर बात कर रहे मे, सको मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं किसी व्यक्ति के साथ कोई चीज डिस्कस हाँ। कर रहा हूँ और अपने चैनल पर लेकर जा रहा हूं तो कम से कम मुझे हर चीज को टेस्ट एंड ट्रायल करके अप्रूव्ड कर लेना चाहिए कि दिस इज द बेस्ट आंसर दैट मस्ट बी द बेस्ट आंसर कहीं ऐसा नहीं कि हम जो बात कर रहे हैं वो कुछ और है और ग्राउंड रियलिटी कुछ और है और बड़ा डिफरेंट इंटरव्यू चल रहा है आज मुझे बहुत बहुत मैं चैनल्स पे गया हूँ तो वहां पर डिफरेंट स्टोरी होती है जी आपका बचपन कैसा बीता स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट लिया खेले कहाँ पर कभी बाप से डांट तो नहीं पड़ी आपके तो क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैंने बड़ी सीधी सी बात है कि आपने पहले जो रिसर्च की है ना रियली आई यू जी अब पूछिए क्या पूछ मेरा प्रश्न ये कि जब हमें डीलर से मैं बात करता हूँ हाँ तो जैसे हमारी कंपनी में भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं फ्रेंचाइजी होते हैं तो हम लोग उनको मैक्सिमम मार्जिन देते हैं फोर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट थर्टी परसेंट थर्टी फाइव परसेंट और हम कहते हैं कि इतने बड़े लेवल ऑफ प्रॉफिट को हम आपको डिस्ट्रीब्यूशन में दे रहे हैं

पर अंदर से मैं भी महेश्वरी हूं <laughs> <या बात है। laughs> क्योंकि व्यापार में पैदा हुआ।, हुआ उसके बाद ट्रेनर बन गया कोच बन गया तो और ज़्यादा बारीकी में गया, गया। चीज तो को पड़ता है जैसे आपका चालीस रुपए परसेंट छोड़ दिया मुझे चालीस मिल रहा है और मुझे डर है कि बाजार में दूसरा बंदा पच्चीस छोड़ देगा वो छोड़े या ना छोड़े पर मुझे लग मुझे रहा है दर, छोड़ देगा तो उसी डर से मैं भी कस्टमर को कहता हूँ आपको पच्चीस परसेंट डिस्काउंट पे दे दूंगा क्यों मैं सोचता हूं मुझे तो रहा यार ठीक बात है और अगली बार वो जो पड़ोसी था वो तीस में दे देगा वो तीस में दे, दे देता है और कुल मिला के पांच या दस परसेंट ही बचता है दुकानदार को जी इससे ज्यादा बचता नहीं है वास्तविक सत्य है व्यापार में मेरा हाँ हाँ मार्जिन दे दे जो बेचारा सेलर है ना

बिल्कुल ताकि रिकमेंडेशन पर वो बिके तो आपने दस ही हैं। जी। तो फिर मेरा मार्जिन को माने खराब कर रहे हो और कस्टमर का इम्प्रेशन क्यों खराब कर रहे हो प्रोडक्ट तो 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 की तो क्वालिटी हाँ? तो कही खुश है उसका रात को माल बिकना चाहिए उसको कस्टमर की कम्प्लेट नहीं आनी चाहिए वो दस परसेंट पांच परसेंट में भी खुश है अच्छा दुकानदार एक परसेंट में भी खुश हो जाता है क्योंकि रात को माल बिकता है आप चालीस दे दो पचास दे दो सौ दे दो जब अगर बिका ही नहीं मैं वही तो क्या बात करेगा? करेगा? इक्विटी को लेकर जब बात करते हैं किसी ने कहा कि हंड्रेड परसेंट इक्विटी मेरे पास है आ? उनका तेरे शेयर की वैल्यू दस रुपए ही है ना <laughs> और एक हजार शेयर है आ? तो इससे अच्छा तो यह बेहतर कि चाहे तेरे पास इक्विटी केवल बीस परसेंट रह जाए पर तेरे शेयर की वैल्यू हजारों लाखों तक पहुंचे एग्जैक्टली जी एग्जैक्टली बहुत अच्छा आपने बताया सर तो ये बात उन लोगों के लिए भी लागू होती है कि अगर आप बिजनेस में डीलरशिप नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि ज्यादा मार्जिन देने से कभी कुछ फायदा होने वाला नहीं है आपके रिटेलर का या आपके होलसेलर का या आपके डीलर का फायदा दब होने वाला है जब उनको एक जस्टिफाइड मार्जिन मिले और प्रोडक्ट में वैल्यू एडिशन करके आप बेहतर प्रोडक्ट अपने कंज्यूमर तक पहुंचाने का प्रयास करें यही शायद आपका exactly. एक मैसेज है है तो ये बहुत बेहतर बात मुझे भी आज आपसे सीखने को मिली है। और इसको लिमिटेड में मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूं अगला मेरा प्रश्न है कि कई बार क्या होता है किसी चीज को लेकर हमें कस्टमर को कन्विंस करना पड़ता है तो कन्विंसिंग के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि वो प्रोडक्ट अच्छा बनाते हैं सर्विसेज अच्छी देते हैं प्राइस भी जस्टिफाइड है पर वो कई बार अपने कस्टमर को कन्विंस नहीं कर पाते कैसे कन्विंस किया जा सकता है बेहतर तरीके से डील करने के लिए देखो जहां तक रेट की बात है वहां पर मुझे चैलेंज है बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि लोगों को जस्टिफाई करना पड़ता है कि उनकी चीज महंगी क्यों है मुझे जस्टिफाई करना पड़ता है सस्ती क्यों है <laughs> आपका क्वेश्चन <ही> यही था <laughs> मेरा क्वेश्चन यही है तो कि कम कीमत में मुझे बेस्ट प्रोडक्ट मिल रहा है मुझे कैसे जस्टिफाई करूं तो वो जस्टिफाई उसको तो मैंने जवाब आपको दे ही दिया कि मैं इन्फ्लुएंसर के पैसे नहीं खर्चता हूँ मिडिल मैन को ज्यादा नहीं दे रहा हूँ दस दे रहा हूँ तो मैंने वो सारे पैसे बचा के चीज को सस्ता कर दिया चीज को महंगा नहीं किया कि मैं नहीं बचा के रख रहा हूँ मैंने अपग्रेड कर दिया और क्वालिटी में नॉमिनल प्रॉफिट जोड़कर कस्टमर के पास

जी है, जी मेरी फोटो प्रिंटेड है ये एबीसी या एक्स वाई जी या कोई एमएलएम या कोई एनओपी ब्रांड नहीं है ये टीएस मदान की फोटो है अगर क्वालिटी गलत होती है तो मेरी फोटो खराब होती है ठीक बात जिसको बनाने में मैंने 45 इयर्स लगाए हैं और वाइट टर्बन है अगर इसके ऊपर कोई गंद लग गया कोई मिट्टी गिर गई तो रात को धुल जाएगी मिट्टी धुल जाएगी पर अगर दाग लग गया ना रेपुटेशन का कि इसने क्वालिटी गलत दी है जी तो धुल नहीं सकता नहीं ठीक बात है है ना मैं एक 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 इंसिडेंट हाँ। आपके साथ शेयर करता हूँ क्या होता है जब हम कहीं फ्रेंड सर्कल में मिलते हैं एक ट्रेंड होता है एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं मेरे एक फ्रेंड मुझे मिले अरे यार तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेके आयो मैंने कहा यार स्पेशल गिफ्ट तो तुम आए हो यही सबसे बड़ा स्पेशल गिफ्ट है उसने मुझे एक पैकेट दिया अरे इसमें वो क्वालिटी प्रोडक्ट है यूज करोगे तो मजा आ जाएगा मैंने का, ऐसा क्या दे दिया मैंने खोल के देखा मन का अरे टीएस मदान प्रोडक्ट अच्छा अरे आप जानते हो मैंने का, ये हमारे मेंटोर है यार हम बचपन से ही नहीं देखते आ रहे हैं और ही इज माय गुड फ्रेंड आल्सो तो कहने ऑल्सो अच्छा मतलब मुझे एक 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 बात की खुशी हुई कि मेरा एक फ्रेंड एक प्रोडक्ट को पावरफुल तरीके से रिकमेंड कर रहा है और वो प्रोडक्ट हमारे और मेरे मेरे जो कंज्यूमर है मेरा जो कस्टमर है वो विश्वास भी इसीलिए कर रहा है कि ये सरदार अपनी फोटो खराब नहीं करेगा क्योंकि मैं ब्रांड चेंज नहीं कर पाऊंगा ना बिल्कुल ठीक मैं अपनी फोटो मेरा ब्रांड टीएस मदान है मेरी वेबसाइट टी एस डॉट इन है मेरी प्रोडक्ट का नाम कुछ और नहीं है जी और ये ब्रांड ही रहेगा हमेशा इसको चेंज कैसे करूंगा अगर खराब हो गया तो तो है। क्वालिटी अच्छी देनी ये मेरा शौक तो है ही ये मेरा फर्ज भी है जिम्मेदारी आपका कर्तव्य भी, भी है लेकिन ये मेरे लिए मजबूरी भी है कई बार ऐसा देखा है, है कि कोई कंपनी एक प्रोडक्ट को लेकर आती है वो फेल हो जाता है फिर वो कंपनी नया ब्रांड लेके आती है फिर नया ब्रांड लेके आती है तो क्यों ब्रांड चेंज कर सकता हूं तो मैं कर ही नहीं सकता से? ये बात बट यू आर डायरेक्टली यू आर अ ब्रांड आप पब्लिक को अपना नाम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यू कांट चेंज दिस थिंग है ना मेरे एक डीलर ने बताया मुझे एक दुकानदार ने जी.

किसी ना किसी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अगर वो टी एस मदान साहब के साथ जुड़कर बिजनेस करना चाहिए देखिए ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है मैं अपने व्यूवर्स को यहाँ क्लियर कर देता हूँ मदान साहब मेरे बहुत अच्छे मेंटोर और बड़े भाई की तरह मित्र की तरह हैं ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है और ना ही कोई प्रमोशनल वीडियो है लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारे युवा साथी ना बिजनेस करना चाहते हैं उनके पास कोई अच्छी कंपनी या अच्छा प्रोडक्ट नहीं है किस तरह से वो बिज़नेस में एंटर कर सकते हैं और पाँच ऐसी बातें जो युवाओं को फॉलो जरूर करनी चाहिए जब बिजनेस वो शुभारम्भ करें और उसको ऊपर तक ले जाएं और किस तरह से वो आपके साथ जुड़कर टीएस मदान ब्रांड के साथ जुड़कर बिजनेस कर, कर सकते हैं ये बात आप जरूर जरूरत बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपके साथ बात करने का मुझे मौका मिला है नहीं तो मैं इनके साथ ही बात कर रहा <laughs> था बहुत क्लियर है कि बिजनेस उसी चीज का करना जो आपको अच्छा लगता है जो आपने यूज नहीं किया जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते हो जिस चीज को जानते नहीं हो उसको बेच नहीं पाओगे क्योंकि आपकी फीलिंग्स ट्रांसफर नहीं होंगी मान लो आप पानी बेच रहे हो और वो पानी को आपको पता ही नहीं है ये ठंडा है या गर्म है तो कस्टमर को बेचोगे कैसे तो जिस चीज़ को इस्तेमाल करते हो जो आपका शौक़ है जो आपके घर में यूज़ होती है उसी का ही बिज़नेस करना ये पहला चीज़ है दूसरा पॉइंट है कि बिज़नेस में उबना नहीं है दो महीने लग सकते हैं चार महीने लग सकते हैं दो साल भी लग सकते हैं जब आप बार बार पासा फेंकते हो ना तो ज़रूरी नहीं है कि पहली बार में ही छः आ जाएगा जी। पहली बार में हो सकता है दो आए पांच आए चार आए तीन आए लेकिन एक दिन छे जरूर आएगा इस और जिस, तो दिन, जिस दिन गारंटी जिस दिन आ जाएगा ना उस दिन आप विनर हो तो हो सकता है आज आपने छोड़ दिया आप उब गए और अगले दिन छे आना होता तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है तीसरा आपने थकना नहीं है क्योंकि हार्ड वर्क का कोई सब्सिट्यूट नहीं होता है कोई इसका बदलाव नहीं है अगर आप थक गए कि यार मैं बहुत थका हूं तो आप फिर उसके बाद बिजनेस से बाहर हो गए फोर्थ पॉइंट है कि आपने झिझकना नहीं है क्योंकि व्यापार व्यापार झिझक करने वाला बंदा व्यापार नहीं कर सकता अमित जी जी। जो झिझक रखता है ना सेल्स को पिच करने में लोग घबराते हैं पता नहीं लेगा नहीं लेगा रिजेक्शन तो नहीं कर देगा तो अधिक से अधिक क्या होगा रिजेक्ट करेगा ना तो अगर हम नहीं जाते रिजेक्शन तब भी है अच्छी बात है अगर मैं जाता हूं किसी के पास तो चांसेस हैं कि वो चलो दस परसेंट ऑफ दस परसेंट मान लेते हैं दस परसेंट चांसिस हैं पॉसिबिलिटी है कि वहां करेगा नाइनटी परसेंट ना क्या है अगर घर बैठे हैं तो हंड्रेड परसेंट ना है जी साहब मेरा पहली बार जो फ्रेंचाइजी टाइम रिजेक्ट हुआ था था जिसने मेरी कंपनी की फ्रेंचाइजी ली थी एक्जेक्टली exactly, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके पीछे काफी ज्यादा नो की रिजेक्शन बहुत ज्यादा है ये चार पॉइंट है पांचवा जो मैं बहुत बड़ा पॉइंट मानता हूँ वो है कि जो सक्सेस होती है ना दो तरह की है एक है टेम्परेरी एक परमानेंट जो परमानेंट सक्सेस है ना वो केवल ईमानदारी एथिक्स एंड लॉयल्टी के साथ ही आती है जो ओवरनाइट झूठ बोल के अनएथिकल तरीके से जो सक्सेस होती है है ना वो फिर टिकती नहीं, टिकती नहीं, है। नहीं है। तो परमानेंट सक्सेस अगर चाहिए ना आपके और हमारे देखने वालों में तो फिर एथिक्स ना छोड़ना थोड़ा सा कष्ट मिलेगा थोड़ा कठिन रास्ता है लेकिन जब एक बार सक्सेसफुल हो जाओगे ना तो फिर वो परमानेंट आपके पास रहेगी एक बात जो मैंने आपसे अपनी बात में रखी थी आपने नहीं बताई कि किस तरह से टीएस मदान ब्रांड कंपनी के साथ जुड़कर लोग मेरी जो वेबसाइट है टी एस मैदान डॉट इन टी एस एम ए डी डबल एन डॉट इन ये क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंट बिजनेस करता हूं मैं हिडन प्रॉफिट्स पे काम नहीं करता हूं ना ही सिखाता हूं किसी को मेरी साइट के ऊपर दोनों चीजें हैं जी रिटेल का प्राइस भी लिखा है और नीचे क्वांटिटी का प्राइस रिबेट प्राइस। भी लिखा है ओके यानी क्वांटिटी का मतलब कि आप बेचने के लिए ले रहे हो मिनिमम शायद सिक्स पीस हर चीज कई जगह पर बारह पीस भी होंगे जी तो दस परसेंट मिलना है तो आपने एक पीस खरीदना है तो आप जो रेट प्रिंटेड है जो एमआरपी है वही आप दोगे तो एक पीस खरीद लोगे पूरे इंडिया में हम डिलीवरी दे रहे हैं और अगर, अगर आपने बेचने के लिए लेना है तो छह या जितने वहां लिखे हाँ, हैं वो क्वांटिटी दस परसेंट के ऊपर ले लो तो उसके लिए कोई आपने अप्लाई नहीं करना कोई आपने किसी तरह की प्रपोजल नहीं है कोई एग्रीमेंट नहीं है सीधा वहां से माल खरीदो बेच लो अगर आपको माल बेचने में क्वालिटी में या कुछ समझाने में अपने कस्टमर को बताने में दिक्कत आती है तो मेरी हेल्पलाइन है फ्री हेल्पलाइन है और नंबर बड़ा आसान है नाइन जीरो नाइन जीरो नाइन एट नाइन एट नाइन टू क्या बात नब्बे नब्बे अठानवे अठानवे बानवे वहाँ पर कॉल करो बंदे को बताओ जी मेरा कस्टमर कह रहा है कि मेरे घुटने कैसे ठीक होंगे मेरी हेल्पलाइन बता देगी आपका माल बिक जाएगा आप अपना बो, दस परसेंट जेब में डालो ग्रेट वो मेरी हेल्पलाइन बैठी है और अगर आपको बिजनेस करने में दिक्कत आती है कुछ सीखने में दिक्कत आती है वैसे तो सारी वीडियोज़ मेरी भी हैं इनकी भी हैं जो मर्जी सीख लो फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरी हेल्पलाइन पर ही बोलो कि हमें सेल्स की ट्रेनिंग भी चाहिए आपका माल बेचने के लिए तो मैं उसके लिए वेबिनार्स जूम मीटिंग्स एंड बहुत कुछ करता रहता हूँ जितने भी हमारे सेलर्स एंड हैं सबके लिए ग्रेट तो दोस्तों आज हमने जाना टी एस मदान साहब से कि लाइफ में सक्सेस के क्या प्रिंसिपल हैं किस तरह से उनको फॉलो करके अपनी इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है अपने लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है और साथ साथ मदान साहब के साथ जुड़कर कैसे आप एक नई बिजनेस में एक नई इंडस्ट्री में कदम रख सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं इसी तरह से हम लोग मिलते रहेंगे बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस बिजनेस कोचिंग वीडियोस के साथ स्वस्थ रहें मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी और मेरे साथ में टीएस मदान साहब थैंक यू थैंक यू हम दोनों मिलकर much. आपके सुनरे भविष्य की कामना करते हैं जय हिंद जय भारत